सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। और गाइस आप लोगों को शायद पता होगा या फिर नहीं पता होगा, मैंने पिछली बार जो है वीडियो बना रखी है ऑलरेडी मोसासोर को टेम करने की। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो मकसद है यहाँ पे मोसासोर को टेम करना नहीं है। नीचे की तरफ देखिए आपको मोसासोर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने गाइस गेम का साउंड जो है ऑफ कर रखा है ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ सके। खैर तो चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप लोग जो है गाइस ना मोसासोर हो गया और इसके अलावा और भी जो थोड़े बहुत खतरनाक डाइनो है उनको आप लोग इजीली कैसे टेम कर पाएंगे। खैर इसका लेवल तो गाइस अभी बहुत लो है तो यहाँ पे मुझे इसे टेम करने के पर्पज़ से नहीं ले रहा हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के पर्पज़ से इसे टेम कर रहा हूँ। सो आपको करना क्या होगा गाइस, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है सिंपली एक ऐसी जगह चूज़ करनी है, मतलब एक सर्टेन पॉइंट चूज़ करना है जहाँ पे आप लोग जो है इजीली इस तरीके से रह सकें। एक इस वाले सी के अंदर, मतलब जो हम लोग पानी के अंदर जब रहते हैं गाइस ना, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जो ये हमारा डाइनो है, मतलब ये हमारा मोसासोर है, ये उसके ऊपर आ ही नहीं सकता गाइस। देखिए अभी जो है इसके ऊपर ये आ ही नहीं सकता। एक सर्टेन पॉइंट होता है जहाँ पे ये उससे ऊपर ये आएगा ही नहीं, जब भी रहेगा हमेशा डीप में ही रहेगा। बट एक बात याद रखिएगा गाइस, इसका मतलब ये नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि और भी डाइनो नहीं आएंगे। यहाँ में दिख रहा होगा आपको कितने सारे इलेक्ट्रोको व्हील हैं वगैरह वगैरह जो भी नाम हो इनका, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं मोसासोरस नहीं आएगा तो और भी डाइनो नहीं आएंगे। तो आपको भी केयरफुल रहना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए नीचे से एक मेगालोडॉन भी आ रहा, तो पहले आपको मेक श्योर कर लेना कि आजू बाजू ज़्यादा विल्ड डाइनो ना हो। अगर ज़्यादा विल्ड डाइनो होंगे गाइस तो जाहिर सी बात है आप लोगों को मरने में टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि मोसासोर तो नहीं मारेगा उतना हिट, बट मोसासोर के अलावा जो गाइस ना यहाँ पे और जो डाइनो है वो जरूर मारेंगे मुझे। तो यहाँ पे जो है मैं चेंज कर लेता हूँ पहले अपना गियर। वैसे तो वॉइस भी मतलब एक बार ऑक्सीजन खत्म होगा तो पता भी नहीं चलेगा। खैर चलिए गाइस अभी जो है मैं नॉकआउट करना सिखाता हूँ आपको। देखिए हमें बिल्कुल मेंटेन में रखना है अपने पोजीशन को, मतलब ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना। अभी एक मेगालोडॉन आ रहा है, पहले इसको मार देते हैं गाइस। ठीक है मेगालोडॉन को मार देते हैं, उसके बाद फिर से मैं नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। ऑक्सीजन टैंक लगा लेता हूँ क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन टैंक जो है हम लोग कुछ ही सेकेंड्स में मर जाएंगे। चलिए पहले मेगालोडॉन को मारने दीजिए। ओके तो गाइस यहाँ पे मेगालोडॉन को मार दिया और हमें बिल्कुल मेंटेन में रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना ज़्यादा ऊपर नहीं जाना और यहाँ पे विल्ड डाइनो को मारते रहना है। अभी जो गाइस थोड़ी देर बाद में इसको नॉकआउट करना नॉकआउट करता हूँ। अभी देखिए हम लोग इसके लेवल में आ चुके हैं, अभी हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। अभी चेक करते हैं, अभी देखिए इससे ऊपर इससे ज़्यादा नीचे ये आएगा ही नहीं, मतलब अभी हम लोग इजीली इसको हिट दे सकते हैं गाइस। देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे फिर ये इसके बाद जो ये ऊपर आने लगेगा, तो फिर उसके बाद हम लोग ऊपर थोड़ा सा भगने लगेंगे। ठीक है ये प्रोसेस हमें करते रहना है। आई थिंक कोई विल्ड डाइनो आ गया। शिट गाइस मैं मर जाऊंगा अगर इस यहाँ पे इन्होंने हिट देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बी केयरफुल रहना है, मतलब विल्ड डाइनो कहीं से आपको अटैक करें ही ना, इसलिए जो है मैं सोच रहा हूँ कि आजू बाजू का एरिया पहले क्लियर कर ले बढ़िया से। चलिए अभी जो है यहाँ पे एक जो डंक आ चुका है, इस डंक को भी मारना पड़ेगा क्योंकि गाइस आप लोगों को शायद पता ना हो डंक का जो डैमेज होता है ना आपको अच्छे अच्छे आर्मर को एक शॉट में तोड़ देगा, क्लियरली तोड़ देगा। और देखिए यहाँ पे ज़्यादा नीचे आ गया था मैं, तो आपको मेंटेन रखना है एक सर्टेन लेवल जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो देखिए यहाँ पे इतना ऊपर वो कभी नहीं आएगा। सो इस यहीं पे हम लोग खड़े होकर मारते हैं पहले इसको, उसके बाद जो हम लोग इसको नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। और आपको लग रहा होगा कि मोसासोर टेम करना इजी है गाइस, तो ये मत बिल्कुल सोचिएगा कि मोसासोर टेम करना इजी है। हाँ अगर आपका मोसासोर का लेवल कम है, अगर आप लोग जो है चाहो तो गाइस सॉर्को यूज कर सकते हो उसको नॉकआउट करने के लिए, चाहे नीचे जाके चाहे ऊपर जाके, बट सॉर्को का लेवल अच्छा रहना चाहिए प्लस एचपी उसकी अच्छी रहनी चाहिए, अदरवाइज गाइस आप लोग जो है ना उसे भी नहीं टेम कर पाओगे। ये देखो देखो यहाँ पे देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, जैसे ही थोड़ा सा तो वो मारने लग रहा, तो हमें बस ऐसे ही ऊपर रहना है। अभी जो इसको इजी मार सकते हैं, पहले इस डंक को मार लूँ एक बार ना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है गाइस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन टैंक बचा हुआ है और इस डंक ने मुझे तोड़ दिया ना उस ऑक्सीजन टैंक को, तो फिर मुझे यहाँ से पूरे बेस पे वापस जाना पड़ेगा। इसलिए जो मैं चाहता हूँ इसको मार दूँ पहले, 251 एचपी है। ऑल राइट चलिए अभी मार दिया इसको मैंने, अभी जो हम लोग मोसासोरस को टेम करते हैं। आई होप अब कोई विल्ड डाइनो ना आए। और यहाँ पे तो मैं शील्ड को हटा ही देता हूँ गाइस, यहाँ पे शील्ड पानी के अंदर का शील्ड में कोई काम ही नहीं शील्ड का। खैर चलिए ट्राई करते हैं गाइस। ऑल राइट अभी ट्राई करते हैं। इसका टॉर्पर कितना है एक बार मैं चेक कर लूँ, टॉर्पर 8K के आसपास है। खैर यहाँ पे अरे कितने डाइनो स्पॉन हो रहे हैं गाइस, इसको स्टॉप करना भूल गया मैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नीचे आ गया हूँ, मुझे पता था मैं ज़्यादा नीचे आ गया हूँ। ऑल राइट आई थिंक इतना ऊपर काफ़ी है।
नहीं थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए आई थिंक इतना ऊपर काफ़ी गाइस। अभी ये चमकने वाले डाइनो आ चुके हैं नीचे पानी के अंदर, देखिए वो स्पॉन ले लिए हैं अभी जस्ट, आई थिंक हिट हुआ। चलिए हिट हुआ गाइस, अभी ऊपर जाना हमें भगते हुए ताकि ये हमारे पीछे ना आए, हमें ऊपर रह के ही मारना है इसके गाइस। अब ये देखिए ये हमारे पीछे आ जाएगा, सो ये जैसे ही हमारे नीचे आए हम लोग एरो इजीली मार सकते हैं, जितना चाहे जल्दी जल्दी उतना। दो हिट पड़िए गाइस, और पानी के अंदर जो है गाइस ना एरोज उल्टा सीधा चलते हैं, बिलीव करिए पानी के अंदर बिल्कुल आप जैसा सोचेंगे वैसा एरो चलेगा ही नहीं। सो जितना ज़्यादा नीचे की तरफ रहेगा एरोज उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे आप लोग। सो यहाँ पे निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा थोड़ा बहुत टॉर पर चढ़ गया होगा, अभी ऊपर जाना पड़ेगा। बहुत तेज़ी से आ रहा, बहुत तेज़ी से आ रहा ये, आई थिंक इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकता ये। चलिए अभी हम लोग नीचे चलते हैं, इसको पीछा करते करते ये नॉकआउट होने वाला रहेगा तो भगने लगेगा गाइस। पड़ी मुझे, नहीं 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 मारेगा। चलिए जल्दी जल्दी फायर भी नहीं हो रहा गाइस, दिक्कत ये है, अदरवाइज मैं इसे नॉकआउट कर लेता इजीली। चलिए गाइस फाइनली ये नॉकआउट हो चुका है, मतलब कितना ईजी था, कहाँ गया मेरा वो, देखिए हमारा जो डाइनो वहाँ पे है। खैर मैंने इसको इजीली नॉकआउट कर दिया, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक तरह से इजी तो नहीं बोलेंगे बट जो भी बोलेंगे यहाँ पे टेमिंग फिटनेस 100% है। तो इस तरीके से आप लोग जो है गाइस ना मोसेसोर को इजीली टेम कर सकते हैं, ऐसे डाइनो को जो पानी के ज़्यादा ऊपर तक ना जा पाए, मतलब जो हैवी डाइनो होते हैं ना गाइस वो पानी के ज़्यादा ऊपर नहीं रहते। और मैं आपको बता दूँ कि कभी भी अगर आप लोगों को बैसला सोर्स वगैरह खोजना हो ना तो उसको जो है जब भी खोजिए पानी के सेंटर में खोजिए, मतलब वो सब डीप में कभी रहते ही नहीं, क्योंकि बैसला सोर्स जैसे ही पानी के ज़्यादा डीप में जाएंगे ना उनको डैमेज होने लगता है। सेम कंडीशन अप्लाई होता है हमारा इस पे, क्या नाम है गाइस, प्लेसासोर पे। तो प्लेसासोर का क्या कंडीशन होता है गाइस कि प्लेसासोर जो होते हैं ना उनको जो है हमेशा डीप के अंदर मतलब पानी की गहराइयों में खोजिए, उसको ऊपर कभी मत खोजिए क्योंकि वो ऊपर मिलेंगे नहीं, वो हमेशा जब भी रहते हैं जमीन में ऑलमोस्ट जमीन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे प्लेस यहाँ पे बैसलासोर्स को डैमेज होने लगा, मैं पहले वो नीचे चमकती धमकती डायनोज को मार गया हूँ, ये सब पता नहीं कब पीछे से आ जाएं और हमें करंट देने लगे तो फिर ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे हम लोग। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि मोसासोर का जो है गाइस एचपी मतलब एचपी गहरा सारे सॉरी टॉर पर जो है बहुत तेज़ी से ड्रॉप होता है, मतलब आसमान से भी ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप होता है, गीगा की तरह ड्रॉप होता है गाइस, गीगा की तरह। और लेट्स सो इसको टेम कर ले हम लोग अभी, तो इसको टेम करने के लिए हमें प्राइम मीट चाहिए होगा या फिर मीट चाहिए होगा, तो खैर हमारे पास सब कुछ है टेम कर लेते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा साउंड ऑन कर दूं गाइस, दिक्कत हो रही है मुझे, मतलब जब कुछ सुनाई नहीं देगा ना तो डाइनो का आना जाना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। खैर वैसे तीसरी लेवल का है, मैं एक प्राइम मीट यूज कर देता हूँ, प्राइम मीट कह रहा सॉरी मैं जो है गाइस ये यूज कर देता हूँ स्मूदिंग ब्लेम यूज कर देता हूँ, मेरे पे चार पड़ा हुआ है, मैंने स्पेशली टूसो को लेके आया हूँ टूसो के लिए। कहाँ गया स्मूदिंग ब्लेम, लोल लोल गाइस एक तो मिस्टेक हो गई, जहाँ पे मैं पिछली बार मरा था वहाँ से मैंने अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट करना ही भूल गया और सारी चीज़ें मेरी इन्वेंट्री में ही थी। लोल 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 और अब क्या होगा मेरे साथ। खैर 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 मैं काफ़ी दूर आ गया, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आया मेरे पे चार स्मूदिंग ब्लेम पड़े हुए थे, ये क्या हो गया मेरे साथ। अब मैं इसको कैसे टीम करूँ विदाउट स्मूदिंग ब्लेम गाइस, चलिए ट्राई करते हैं। अभी हमारे साथ सब कुछ उल्टा सीधा हो गया, लेट्स सी गाइस हम लोग इसको टेम कर पाते कि नहीं विदाउट स्मूदिंग ब्लेम वगैरह वगैरह। एक बार में 1% जा रहा, नहीं टेम कर पाएंगे गाइस इसको। खैर गाइस मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे इसे नॉकआउट करेंगे और मैं इसको यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी मैं स्मूदिंग ब्लेम लाया था पानी के अंदर मर गया वहाँ पे आपको दिखाने के चक्कर में, वो बड़ी वाली मछली और सब कुछ वहीं पर चला गया गाइस, अभी क्या ही कर सकता हूँ मैं। खैर गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, इसको मार देता हूँ। खैर बहुत ज़्यादा टाइम मतलब मुझे दर्द हो रहा है गाइस, आप लोगों को पता है, मतलब सब कुछ लाओ और फिर उसके बाद गिर जाए, चार चार स्मूदिंग ब्लेम लाया था कि मरूंगा नहीं काम ईजी हो जाएगा, अभी खो दिया मैंने, क्या ही करूँ गाइस। और पानी के अंदर वो भी नहीं बनता, क्या नाम है, दिखाता भी नहीं हमारी क्रिएट वगैरह। ऑल रेडी गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट बना के रखिए,